सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ लॉन्ग डज अ सेल लिव सेल कब तक जिंदा रहता है एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट लाइफ स्पेन टेस्ट बर्ड सेल्स लिव फॉर अबाउट सेवन डेज रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर अबाउट फोर मंथ्स नर्व सेल्स लिव फॉर एटीन टू वन हंड्रेड थर्टी ईयर्स हर सेल का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है डिफरेंट लाइफ पीरियड होता है इसी तरह से सेल रिप्रोड्यूस करते रहते हैं न्यू सेल्स बनते रहते हैं और पुराने सेल से रिप्लेस होते रहते हैं टेस्ट बर्ड सेवन डेज तक ज़िंदा रहते हैं रेड ब्लड सेल्स फोर मंथ्स तक जिंदा रहते हैं नर्व सेल्स एटीन से वन हंड्रेड थर्टी ईयर्स तक ज़िंदा रहते हैं मीन्स एटलीस्ट एटीन ईयर्स तक जिंदा रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वन हंड्रेड थर्टी ईयर्स तक ज़िंदा रह सकते हैं

इनकी शेप डिस्क लाइक -like होती है एज यू कैन सी इन द डायग्राम नाउ ओपन योर डॉकेट पेज नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ लॉन्ग डज अ सेल लिव सेल कब तक जिंदा रहता है एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट लाइफ स्पेन टेस्ट बर्ड सेल्स लिव फॉर अबाउट सेवन डेज रेड ब्लड सेल्स लिव फॉर अबाउट फोर मंथ्स नर्व सेल्स लिव फॉर एटीन टू वन हंड्रेड थर्टी ईयर्स हर सेल का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है टेस्ट बर्ड्स सेवन डेज तक जिंदा रहते हैं रेड ब्लड सेल्स फोर मंथ्स तक जिंदा रहते हैं नर्व सेल्स एटीन से वन हंड्रेड थर्टी ईयर्स तक जिंदा रहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्स ड्रॉ नीट एंड लेबल डाइग्राम्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स स्टूडेंट्स यू हैव ड्रॉन एनिमल सेल इन योर प्रीवियस होमवर्क सो so, आज आपने प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसे लेबल करना है प्लांट सेल की डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं बुक में पेज नंबर फोर पर प्लांट सेल की लेबल डायग्राम मौजूद है यू हैव टू डू दिस वर्क विथ पेंसिल नाउ नोट डाउन द होम वर्क इन योर असाइनमेंट रजिस्टर यूनिट वन रीड पेज नंबर फोर लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर फाइव इन द असाइनमेंट रजिस्टर एंड डू क्वेश्चन नंबर सिक्स इन द डॉकेट Thank you.